हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आगे बढ़ते हैं, आज बात करते हैं पार्ट 7 यानी लेक्चर 7 की बात करते हैं। कल अपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसमें हमने डिस्कस किए थे कि उसमें दो केसेस एराइज होते हैं। फर्स्ट केस होता है एट एक्सियल पॉइंट, यानी उसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। चूंकि आपको पता है कि डाइपोल के अंदर कितने इट इज कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, तो दोनों चार्जेस वहां पे क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वेट करके हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जो कि कितनी आई थी 2kp/r³ फिर r वेक्टर। क्लियर है? तो हमने वहां पे एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाई? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरली किसी एक चार्ज की वजह से वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी डिस्टेंस जो होती है उस चार्ज से उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और वहां पे देखा था क्यूबिक फॉर्म में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो आज हम बात करते हैं सेकेंड केस, देखते हैं सेकेंड केस क्या है। यानी केस सेकेंड वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन दी इक्विटोरियल प्लेन। देखो, इसको प्लेन या पॉइंट दोनों कह सकते हैं अपन, प्लेन और पॉइंट क्यों कह सकते हैं अभी चेक करते हैं इसको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्विटोरियल प्लेन या फिर पॉइंट, क्या होता है इक्विटोरियल प्लेन वो देखते हैं पहले। एक चार्ज है फर्स्ट प्लस क्यू और सेकंड चार्ज है माइनस क्यू, तो ये डाइपोल कंसिस्ट हो रहा है। और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं अपन, क्यू ए, यानी एक पहले लेस डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, दोनों अपार्ट होते हैं, क्यू ए डिस्टेंस है। तो इक्विटोरियल प्लेन क्या हो जाता है, जैसे मान लो एक प्लेन है, प्लेन को ऐसा प्लेन जो उसके मिड पॉइंट पर डाइपोल को मिलाने वाली लाइन है, यानी कि उसकी एक्सिस है, उसके एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो लेकिन परपेंडिकुलरली, यानी परपेंडिकुलरली पास होने वाला जो प्लेन है उसी को अपन क्या कहते हैं, इक्विटोरियल प्लेन। अब अगर परपेंडिकुलरली पास होने वाला एक प्लेन होगा तो उस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप रखोगे और आप इस डायरेक्शन से देखते हो तो आपको सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं ऑन द इक्विटोरियल पॉइंट या फिर ऑन द इक्विटोरियल प्लेन, यानी प्लेन का आप जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसी पॉइंट लाइन में, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लोकेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने को केसेस देख लेते हैं पहले क्या क्या चीजें गिवन है। एक पी पॉइंट गिवन है अपने, ठीक है, उस पी पॉइंट की डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो उस पी पॉइंट की इस ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन होती है, r गिवन। तो आपको निकालना है कि ये जो इक्विटोरियल प्लेन है इसके एक पॉइंट है p, इस p पॉइंट पर इस डाइपोल यानी दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो चीज चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले जो चीज गिवन है हमें नोट डाउन करनी होती है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट और डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2a। दोनों चार्जेस के बीच जो अपना डिस्टेंस लिए हो क्या लिया है 2a, एंड अ पॉइंट p, अ पॉइंट p इज लोकेटेड ऑन द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल विथ r डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O, यानी हमने डाइपोल का मिड पॉइंट कंसिडर किया है यहां पे O, उस O पॉइंट
से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p जो कि इसके इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर लोकेट है। हियर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is to be calculated at, यानी हमें यहाँ पे एक पॉइंट पर क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कौन कौन करेंगे। सिंपल है, दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो अब कुछ मैथमेटिकल देखो, डिस्टेंसेस चेक कर लेते हैं। आपको पता है अगर आर है, यानी ये वाली डिस्टेंस आर है, राइट हैंड में ट्रायंगल कितना, अगर टू वे डिस्टेंस है ये वो मिड पॉइंट है, तो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है ये कितनी रहेगी, के। और यहां पे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, के। पता है आपको, इसलिए हम टू वे कंसीडर करते हैं इसको। तो मिड पॉइंट से इस प्लस टू की डिस्टेंस है ए, और मिड पॉइंट से इस माइनस टू की डिस्टेंस है बी। तो यानी हम कह सकते हैं ये आपका ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अगर ये आर है और ये ए है, तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिस्ट हो रहा है, और जिसका परपेंडिकुलर कितना है आर और बेस कितना है के। तो फिर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी आप यहां पर कह सकते हैं ये जो हमें डिस्टेंस कितना है, यानी इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इसी तरह ज्योमेट्री देखा जाए तो यहां पर भी कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आगे के दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है यहां पर? अब इस P पॉइंट पर देखो, हमें डायरेक्शन की लोकेट कर लेते हैं यहाँ पे। इस P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से, इस P पॉइंट पर प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है प्लस Q की वजह से जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो प्लस Q की वजह से डायरेक्शन होगी इस तरह, और इस माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कितनी होगी इस तरह, यानी अपनी तरफ होगी उसी डिस्टेंस के। क्लियर है यहाँ पे? तो इस पी पॉइंट पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दोनों ऑपोजिट तो नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों के डायरेक्शन, और प्लस क्यू की वजह से रेडियल डिस्टेंस के अलोंग ये भी क्या है, रेडियल डिस्टेंस के अलोंग यानी माइनस क्यू की तरफ है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट होता है। हियर The electric field due to plus Q charge, यानी plus Q charge की वजह से इस P point पर, here the electric field due to plus Q charge on P will be, इस P point पर electric field जो है वो होगी कितनी, E due to plus Q, वेक्टर फॉर्म, और उसका मैंने क्या ले लिया, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, इसलिए ना मॉड्यूलस के साथ कर रहा है। तो इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से, अगर क्यू चार्ज वहीं पे है और उसे आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यही लिखेंगे अपन के इस प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ज्योमेट्रिक तरीके से क्या निकाली है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका भी वापस से स्क्वायर। देखो यहाँ डिवाइड में क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली चीज क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पी विल बी, अब देखो इसका भी मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं अपन, पी पॉइंट और माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, के। आपको पता है दोनों चार्ज क्या है, सेम है ना, तो ये क्या है, डाइपोल मोमेंट होगा डिवाइडेड बाई वापस वही डिस्टेंस का स्क्वायर, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो रूट बढ़ जाएगा, अंडर रूट हटा दिया मैंने और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पर देखो हमने दोनों के मैग्नीट्यूड
कंसीडर कर लिए। प्लस क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आंसर क्या है, देन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम टू सेम क्या है माइनस क्यू। तो यहाँ अपन एक लाइन पहले ही देख सकते हैं कि हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन पॉइंट पी आर सेम, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में क्या है डिफरेंट है, अपोजिट भी नहीं कह रहे हैं, अपोजिट नहीं है यहाँ पर, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं, फिर क्या डिफरेंट है बोल रहे हैं, क्लियर है यहाँ पर। तो अब इस पी पॉइंट पर जो है, अब इस पी पॉइंट को अपन यहाँ ले रहे हैं, ये मैंने कंसिडर किया पी पॉइंट, आपको पता है ये वाली जो डायरेक्शन है वो कितनी है, सॉरी ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से, और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और वेक्टर्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कॉम्पोनेंट फॉर्म में, यानी आप इसको एक्स और वाई में इसके कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करो और फिर इसको सॉल्व करो। तो मैंने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लिए क्या है एक लाइन कंसिडर कर, ठीक है, और इसी तरह वाई एक्सिस के लिए क्या है एक लाइन कंसिडर। अब यहाँ पे जो डायग्राम है आपको पता है ये जो डायग्राम है यहाँ ये एंगल मैं यानी सपोज करता हूँ थीटा, तो फिर आपको पता अगर ये पी पॉइंट है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा ही होगा, सेम यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है तो ज्योमेट्रिक सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर तो कॉन्ग्रुएंट भी है, उसके लिए ये एंगल भी कितना होगा थीटा, यानी यहाँ पे अपन कह सकते हैं अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूँ तो ये वाला भी थीटा होगा, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये अगर थीटा है तो आपको पता है ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये भी थीटा है थीटा है। अब इसके कॉम्पोनेंट ब्रेक करते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू, यानी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ, तो आपको पता है हमेशा थीटा की डायरेक्शन में, जब आप थीटा की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेते हो तो वो कौन सा होता है कॉस कॉम्पोनेंट होता है, और थीटा के अपोजिट लेते हो तो साइन कॉम्पोनेंट, तो आपको पता है ई प्लस क्यू का इस तरफ एक कॉम्पोनेंट आएगा होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, सेम उसी तरह ई माइनस क्यू का थीटा की डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट आएगा और वो क्या होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्लियर है। ई प्लस क्यू का अगर कॉस कॉम्पोनेंट इधर है तो एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, और यहां पे भी ई माइनस क्यू साइन थीटा, क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों के लिए यहां पे हमें पता है ई प्लस क्यू और e माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, मान लो अगर ये tan है तो ये भी कितना है tan है, तो tan sin theta tan sin theta, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों कॉम्पोनेंट है वो दोनों एक दूसरे की क्या है अपोजिट, तो अपोजिट है इस वजह से क्या होंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो अपन यहाँ ये लिख सकते हैं हियर हियर द कॉम्पोनेंट E plus q sin theta and E minus q sin theta are same in magnitude, दोनों ही magnitude में क्या है same but opposite in direction, जो direction में क्या है opposite, so they will cancel out each other, they will cancel out each other, देखो ये cancel क्यों हो रहा है पता है ना, दोनों vectors है और आपको पता है force भी क्या, जैसे कि example जितना force एक vector है, अगर आप 10 newton से उसको upper side में और 10 newton से उसको lower side में pull करते हैं तो आपको पता है net force कितना निकलता है zero, यानी वो object किसी की तरफ नहीं जाएगा, same यही कह रहे हैं कि electric field जो है वो अपर साइड में कितने ई प्लस क्यू साइन थीटा और लोअर साइड में कितने ई माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम लेकिन डायरेक्शन
ऑपोजिट, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इसका नेट इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। तो ये लाइन लिख सकते हैं अपन, यह नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्लीकेबल इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है, जो मैग्नेट्यूड सेम था और डायरेक्शन क्या थी ऑपोजिट, इस वजह से दोनों ने क्या कर ली, कैंसिल आ गया। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस वजह से, ये दोनों कंपोनेंट के वजह से, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या है, अच्छा ये दोनों कंपोनेंट के मैग्नेट्यूड भी देखो सेम है, क्योंकि आपको पता है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ये मैग्नेट्यूड आपस में क्या है सेम, और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कॉस थीटा फैक्टर से। तो फिर ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों यहाँ पे जो मैग्नेट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन भी यहाँ पे देखो क्या होगी, सेम मिलेगी आपको, है ना। यहाँ पे अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती, जीरो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है आपको सेम मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से आएगी, वो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी अपन ने डिस्कस किया इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होगी। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है इनकी वजह से यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब देखो आपको पता है कि दोनों मैग्नीट्यूड क्या से सेम है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल है ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जिसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यानी ये जो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इसको मैंने क्या कैंसिल कर दिया, ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसको मैंने क्या मान लिया, ई कॉस थीटा, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो डायरेक्शन के टर्म्स में लेना है आपको, तो वापस एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ई प्लस क्यू E माइनस क्यू इस तरह टाइप का था, और ये O पॉइंट ये P पॉइंट, तो P पॉइंट पर हमें दो कंपोनेंट मिले हैं, एक तो है E cos थीटा ये वाला, और एक और कंपोनेंट है E cos थीटा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2E cos थीटा। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करें, देखो डायरेक्शन के लिए आपको पता है हमने एक्सियल पॉइंट पे जब निकाली थी तब भी हमने एक डायरेक्शन कंसिडर की थी, लेकिन वो किस टर्म्स में लेनी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद है ना, स्मॉल पी के टर्म्स में हमें डायरेक्शन डिनोट करनी होती है। तो यहाँ पर पहले हम जज करते हैं कि स्मॉल पी की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता होगा आपको किस तरह होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू या माइनस क्यू से प्लस क्यू, आंसर है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो देखो यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इस तरह, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पी गैप के टर्म्स में डिनोट करनी है, ठीक है। तो आप बताओ पी गैप के टर्म्स में डिनोट करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस पी गैप, क्या लिखोगे, माइनस पी गैप, तो लिखते हैं ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो अब लेते हैं अपन ई नेट, पता है आपको ई नेट क्या होगा, एक तो होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, अच्छा इस प्लस क्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन किस तरफ थी, राइट हैंड साइड में, और पी गैप के टर्म्स में डिनोट करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस पी गैप, क्योंकि आपको पता है इसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और इधर लिखेंगे पी माइनस क्यू और यहाँ आ जाएगा पी गैप। जब आप इन दोनों को आपको पता है ई मान लेते हैं इसको दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर आएगा टू ई कॉस थीटा और माइनस पी गैप, क्लियर है यहाँ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या निकलेंगे, 2p cos थीटा माइनस p गैप। अब यहाँ पे देखो दो जो है हमने अज्यूम किए थे दो चीजें, एक तो थीटा हमने अज्यूम किया था और e भी क्या है हमने अज्यूम किया, इनकी वैल्यू को फिर से हम e नेट इक्वल टू 2 e की वैल्यू कितनी है, याद है e की वैल्यू स्टार्ट में लिखी थी हमने k q अपॉन r² + a² ये e की वैल्यू, और cos थीटा
थीटा, याद है राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा के साथ वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली बेस और ये हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा यहां पे क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना है? ए। यानी इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमारा कितना है? ए। हमें देखो थीटा को रिमूव करना है, थीटा आपने अज्यूम किया और थीटा को वापस जो एग्जाम में गिवन टर्म्स जो है उस टर्म्स में डिनोट करना होगा। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो रूट भी है, ये है पूरा हाइपोटेन्यूस, क्लियर है? और यहाँ पे लिखेंगे अपन माइनस ई नेट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ई नेट इक्वल टू माइनस को मैंने आगे ले लिया, क्या बचा है? टू के क्यू ए अपॉन, अब यहाँ पे समझो देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल क्या है यहाँ पे? रूट। अच्छा, रूट को पावर में कितना निकाला जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि आपको अंडर रूट एक्स, तो उसको आप एक्स की पावर कितना लिख सकते हो? 1/2। कितना लिख सकते हैं? 1/2। तो आपको पता है यहाँ पे ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना है? 1/2। और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना है? 1। तो देखो आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या होगी? क्या है? 1 + 1/2। यानी 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाता है? ई नेगेटिव इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ पे एक और चीज हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 × a × q, 2aq दिखाई दे रहा है, 2aq क्या होता है? 2aq इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी। तो हम इस के को अलग से रखा और 2aq की जगह रिप्लेस कर सकते हैं पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और यहाँ आएगा पी गैप, क्लियर है? इसको और चेंज किया जा सकता है, जैसे ई नेट इक्वल टू माइनस टाइम्स, देखो यहाँ पर पी का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मिलकर क्या बनाता है? एक वेक्टर है ना, तो के पी वेक्टर हम नोट कर सकते हैं हम, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इस पॉइंट पर इक्विटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं अपन पी, उस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या निकलती है? ये वाली माइनस साइन यहाँ पे क्या शो करता है? माइनस साइन देखो, दो वेक्टर के बीच जब माइनस साइन आता है तो ये शो करता है ई नेट, यानी ई नेट वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर कौन है? राइट हैंड साइड है पी वेक्टर। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, माइनस एपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपन और देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एजम्पशन याद होगा आपको, एक्सियल पॉइंट पर भी अपन ने एक एजम्पशन लिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? एक एजम्पशन। क्या एजम्पशन है? इफ इफ आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए, अगर आर की वैल्यू जो है ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो उस केस में देन तब आप कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आर बहुत ज्यादा है उसके स्क्वायर में हम अगर ए स्क्वायर जोड़ दें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिमिलरली होगा किसके? आर स्क्वायर के। ये चीज समझ में आई ना? पिछले वाले एक्सियल पॉइंट पर जब हमने ये चीज की थी तो हमने कहा था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ बड़ी चीज में से ए स्क्वायर माइनस कर दोगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे है कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन ए है तो उस केस में उसमें अगर आप ए स्क्वायर ऐड भी कर देते हो तो उस वैल्यू में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है? ई नेट इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब आपको पता देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? केवल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल, आंसर क्या है? माइनस के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू, क्लियर है? ठीक है, ये निकला हमारा ई नेट। इस पॉइंट पर इक्विटोरियल प्लेन पे कोई
जो कि मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या लिखती है, के बी अपॉन के बी वेक्टर अपॉन आर माइनस है ना। यानी यहाँ पे ये माइनस होता है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ई और पी की वैल्यू जो है एक दूसरे के, सॉरी ई और पी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर है यहाँ पे? चलो यहाँ पे आप देखो कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह मार्क करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमें ई की डिपेंडेंसी देखनी है पी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखो ई की वैल्यू, अगर मैं पहले इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दूं तो ई इक्वल टू के पी अपॉन आर, ये वैल्यू आती है। तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्लियर है? दोनों के बीच का ग्राफ देखना चाहे आप, ई और पी के बीच का ग्राफ, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर पी और पी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है, इंक्रीजिंग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे आर के ऊपर डिपेंडेंस। तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, और पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। यानी देखो एक्सियल पॉइंट पर भी जब हमने निकाला था तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आर के ऊपर क्यूब फॉर्म में डिपेंड होती है ना, स्क्वायर फॉर्म में डिपेंड नहीं करती। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ ई और आर का अगर ग्राफ बनाते हैं तो क्यूबिक फॉर्म में डिक्रीमेंट मिलता है ना, स्क्वायर फॉर्म में डिक्रीज नहीं होकर के क्यूबिक फॉर्म में डिक्रीज होता है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो लिख सकते हैं हम इस थर्ड पॉइंट को कि हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये थर्ड पॉइंट है अपना। और लास्ट लेते हैं अपन फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं कि एक्सियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड निकला था कितना निकला था, 2kp अपॉन आर क्यूब, किस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। और आज इक्विटोरियल पॉइंट पर या इक्विटोरियल प्लेन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उसका मैग्नीट्यूड कितना निकला है, kp अपॉन आर क्यूब। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एक्सियल पॉइंट पर 2kp अपॉन आर क्यूब और इक्विटोरियल पॉइंट पर kp अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड निकला है वो ट्वाइस यानी टू टाइम्स निकला है, डबल निकला है, किसका, इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है उसका डबल वो इक्वेट होता है किसके, एक्सियल से। यानी ये एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका एक्सियल पॉइंट पर डायरेक्टली गिवन होता है और आपसे क्या पूछा जाता है, इक्विटोरियल पॉइंट। तो अगर आपसे इक्विटोरियल पॉइंट पर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इक्विटोरियल पॉइंट पर जो होगा वो होगा एक्सियल का हाफ होता है। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, देखो कंडीशन क्या थी कि कंडीशन है मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, एक्सियल पॉइंट पर जब हमने लिया तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या ली थी, आर। आज इक्विटोरियल प्लेन पे भी लिया तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या ली है, आर। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम। तो कंडीशन है द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम मिड पॉइंट शुड बी सेम, यानी मिड पॉइंट से उस पी पॉइंट की जो है चाहे एक्सियल लाइन या एक्सिस पे लो चाहे इक्विटोरियल प्लेन पे लो, मिड पॉइंट से उसकी पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो सेम रहनी चाहिए, उस केस में ये अपने एक एक्सप्रेशन मिलता है ना। एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इक्विटोरियल पॉइंट पर मैग्नीट्यूड का डबल होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो केसेस अपन ने डिस्कस किए, एक अगर पॉइंट उसके एक्सिस पे हो और सेकंड उसके इक्विटोरियल प्लेन पर अगर कोई पॉइंट हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कल की पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है कि जब डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या इफेक्ट होता है ना, तो कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अपन कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अब जो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।